हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था, याद है ना आपको, जहाँ मैंने आपको बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं और एक स्टोरी भी सुनाई थी, याद है ना। तो दोस्तों, आज हम ना फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम होता है पास्ट टेंस। अब पास्ट क्या होता है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। लेकिन ये जो कल की बातें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं जी, हमको उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वही जो कल की बातें होती है ना, वो सब पास्ट टेंस में आती है, यानी कि जो पहले हो चुका है, राइट। तो देखें इसकी डेफिनेशन क्या होती है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, पास्ट टेंस वर्ब इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि जो पहले काम हो चुका है उसके बारे में जो टेंस हमको बताता है उसको आप पास्ट टेंस कहते हो। जैसे आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि मैं कल मार्केट गई थी या मैं मार्केट गया था, राइट। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको ये पता चला कि ये जो काम था, यानी कि मार्केट जाने वाला, ये कल हुआ था। तो एक टाइम लाइन अटैच हो गई, याद है। तो जैसे मैंने आपको बताया था टेंस क्या होता है, इट इज़ अ टाइम लाइन ऑफ वर्क। तो जब टाइम लाइन अटैच हो गई तो वो बन गया हमारा पास्ट टेंस। ओके, तो बहुत सारे टाइप्स के पास्ट टेंस होते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई हमें इतने सारे टाइप्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बहुत मुश्किल से तो हमें पास्ट टेंस समझ आया है। तो वो ज़रूरत इसीलिए है, क्यों? क्योंकि कुछ काम तो, हाँ ठीक है, मैं मान लेती हूँ पास्ट टेंस वो है जो काम पहले हुए हैं, यानी कि अभी से पहले, यानी कि इन द पास्ट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई काम आपका हुआ, चल रहा था पास्ट में और वो इंटरप्ट हो गया, राइट। या फिर कोई ऐसा काम था जो पास्ट से होता, बहुत टाइम से होता आ रहा है, होता आ रहा है, होता आ रहा है। या फिर कोई ऐसा काम था जो प्रॉपर पास्ट में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, है ना। तो इसीलिए अब हमको डिटेल तो चाहिए, तो उस डिटेल के लिए हमने पास्ट टेंस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं कि उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला टाइप है सिंपल पास्ट टेंस। सो लेट्स सी व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट और डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट। तो सिंपल यानी कि ऑलमोस्ट द सेम, मतलब जैसा पास्ट टेंस आपने पढ़ा है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। एंड नॉट ओनली फॉर पास्ट, आप कोई भी जब टेंस की वीडियो देखेंगे ना, किसी भी टाइप ऑफ टेंस, ऑल द टाइप्स ऑफ टेंस आर एक्चुअली डिवाइडेड इन टू द सिमिलर टाइप्स, यानी कि सभी सिंपल, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म में होंगे, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ अ पास्ट टेंस, वेदर इट इज़ अ प्रेजेंट और फ्यूचर। तो सिंपल का मतलब है कोई भी टेंस का फॉर्म जब उसको उसके साथ में सिंपल अटैच हो गया ना, तो दैट मीन्स इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू रिकग्नाइज इन दैट टाइप ऑफ टेंस। ओके, तो ये टेंस हम कब यूज़ करते हैं? To formulate this simple past tense, we sometimes add ed in the end. तो यानी कि बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमने एक example पहले किया, he worked at the ice cream factory. तो अगर आप यहाँ पर observe करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने end में ed add किया है, तो जैसे he worked, तो work was the main verb, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसके साथ end में ed attach कर दिया। तो ed attach करने से क्या हुआ, ये बन गया पास्ट टेंस। तो वॉक के साथ साथ जैसे वॉक्ड है, लव्ड है, तो ये सब ऐसे टेंस हैं जो आपको पास्ट के बारे में बताते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर पास्ट को इंडिकेट करना है ना, तो आप वर्ब के एंड में ईडी यूज़ करते हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, राइट। आप हमेशा उसको नहीं बोल सकते। जैसे अगर आपको याद होगा, एट, एट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट, लेकिन आपने तो उसमें ई डी एन में ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन वो फिर भी पास्ट है ना। तो इसी वजह से वेंट, राइट, तो वेंट इज़ अ पास्ट टेंस, लेकिन आपने उसमें एंड में ई डी तो ऐड नहीं किया हुआ। तो मोस्टली यानी कि कई बार ऐसा होता है कि एंड में ई डी ऐड होता है, कई बार नहीं भी होता। और कई सारे ऐसे टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं जिनमें आप एंड में ई डी नहीं ऐड करते, यानी कि वो सेम रहते हैं, जैसे कि कट, पुट। अब कटेड नहीं होता, पुटेड नहीं होता। अगर आपको पास में बताना है ना कि उसने मेरी ना उंगली काट दी, तो ही कट माई फिंगर, राइट। तो आप उसको कटेड नहीं करोगे, पुटेड नहीं करोगे। या फिर अगर आपको कहना है कि आई पुट माई बैग इन द कबर्ड यस्टरडे, तो मैंने ये काम कल किया था, लेकिन आपको, लेकिन जो वर्ड है, जो वर्ब है पुट, वो चेंज नहीं हुआ है, इवन इफ इट इज़ डिनोटिंग द पास्ट, राइट। तो आपको इतनी चीज़ बस याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके एंड में ई डी ऐड होता है, कई बारी नहीं भी ऐड होता है, और कई बारी जो वर्ब्स होते हैं उनके फॉर्म सेम रहते हैं, वेदर इट इज़ द
पास्ट टेंस और इट इज़ द प्रेजेंट टेंस. ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं. सिंपल पास्ट टेंस, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट इज़ द इजिएस्ट फॉर्म ऑफ टेंस जो आप रिकग्नाइज कर सकेंगे. जैसे ही वर्कड एट द आइसक्रीम फैक्ट्री, तो वो आइसक्रीम फैक्ट्री पे काम करता था, राइट. आई वर्कड फॉर 10 hours yesterday. तो अगेन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ईडी ऐड किया गया, राइट. तो आई वर्कड यानी कि कल मैंने 10 घंटे के लिए काम किया था, राइट. तो सबसे ईजी और सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ जो टेंस है, दैट इज़ द सिंपल. तभी तो नाम है सिंपल, ईजी, है ना. तो ये आपको क्लियर हो गया. अब हम दूसरा टाइप देखते हैं कि क्या होता है. ओके, अब है पास्ट कंटिन्यूस. तो मैं ना आपको इसकी कंडीशंस पढ़ाऊंगी और एंड में बताऊंगी एक ऐसा शॉर्टकट जिससे आपके लिए ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा. तो पहले कंडीशंस देखते हैं. ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन ऑन गोइंग इवेंट इन द पास्ट. तो कोई भी ऐसा काम जो कि आप पास्ट में रेफर कर रहे हैं, लेकिन वो काम चलता जा रहा था, तो उस वाले जो ऐसा टाइप ऑफ टेंस होता है ना, उसको आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. तो कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, यानी कि जारी रखना. कोई भी चीज़ जब एक सीरीज में चलती जाती है ना, तो उसको आप बोलते हैं कंटिन्यू. तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, पास्ट कंटिन्यूस यानी कि काम तो पास्ट में हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा था, राइट. तो आप पढ़ते हैं, तो देखते हैं किन किन कंडीशंस में यूज होता है. टू शो दैट समवन इज इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, यानी कि आप कोई काम कर रहे थे, राइट, और आप उसके मिडल में थे. तो एग्जाम्पल देखो, आई वॉज गेटिंग रेडी वेन ही केम होम. तो गेटिंग रेडी, आई एन जी फॉर्म यूज हुई है इसमें, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए, राइट. गेटिंग रेडी वेन ही केम होम, यानी कि एक काम जो हो रहा था पास्ट में, एंड उसके साथ साथ कोई और काम हो गया, राइट. तो कोई भी, जब आप ऐसे बताएंगे ना, कोई काम चलता जा रहा था, देयर वाज सम वर्क विच कंटिन्यूड टू हैपन इन द पास्ट. तो जब ऐसा कंटिन्यू वाला क्लॉज आ जाएगा ना, तो वो हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, आगे देखते हैं. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस वेन अनदर अकर्ड, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि दो काम जो हैं वो साथ साथ में चलते जा रहे हैं. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप नोट्स बना रहे हैं, तो अगर मुझे इसको पास्ट में बोलना होगा, वाइल आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स दे वर बिजी मेकिंग नोट्स, राइट. तो दो काम हैं, दोनों पास्ट में साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं ना, लेकिन चलते जा रहे हैं, कंटिन्यू फॉर्म में हैं. इसलिए जब वो कंटिन्यूड फॉर्म में हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, एग्जांपल देखते हैं इसका. व्हाइल दे वर बिजी सेटिंग द किचन, आई वाज डूइंग द बेडरूम्स. तो जब वो किचन का काम कर रहे थे, तो मैं बेडरूम्स का काम कर रही थी, यानी कि दे वर बिजी सेटिंग अप द किचन, आई वाज बिजी सेटिंग अप द बेडरूम्स. ओके, फॉर एन, तो तीसरा सिचुएशन जहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, फॉर एन एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट व्हेन एन इंटरप्टेड एक्शन हैपेंड. तो यानी कि कोई काम चल रहा था और वो किसी और काम से रुक गया. जैसे व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन द लैपटॉप आई फेल अस्लीप. तो मैं लैपटॉप पे काम तो कर रही थी, तो काम करते करते मैं सो गई, आई फेल अस्लीप, राइट. तो जब आप ये बोल रहे हैं, तो यानी कि आप काम कर रहे थे, तो कंटिन्यूड फॉर्म आपका चल रहा था, यानी कि आपका कुछ काम चल रहा था और अचानक वो काम रुक गए, इट गॉट इंटरप्टेड. तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब आपको फॉर्म करना है पास्ट टेंस को, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को, जब आपको फॉर्म करना है, तो आप इसको कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग वॉज और वर. वॉज अगर सिंगुलर वर्ब है, और अगर वर यानी कि अगर मल्टीपल है, राइट. And the present participle, to present participle क्या होता है, जो verb का ing form होता है ना, उसको आप बोलते हैं present participle. जैसे अगर आप यहाँ पे observe करें, getting, तो get is the verb, लेकिन जब आपने उसके साथ ing लगा दिया ना, तो वो क्या बन गया, वो present participle बन गया. तो जब भी आपको past continuous tense को denote करना है या recognize करना है, आप उसको ऐसे recognize करेंगे, उसके साथ ना was या were लगा होगा, डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर और प्लूरल, और उसके आगे आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा होगा. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, जैसे was वर्किंग, were गोइंग. was यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है, was वर्किंग, I was working yesterday when he came back home. ओके, they were going for a party but the car stopped in between. तो कुछ काम चल रहा था लेकिन वो रुक गया. तो जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन बतानी है जहाँ पे कुछ काम चल रहा था और वो रुक गया,
तो वो होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यही है शॉर्टकट। तो अगर आप बोले कि इतनी सारी सिचुएशन है जी, हम कैसे रट्टा मारें, तो कोई टेंशन नहीं है, मत घबराइए। तो सिंपल शॉर्टकट इतना याद रखिए कि जब भी कोई काम चल रहा था और चलते चलते वो रुक गया, या फिर किसी और कोई और इवेंट हो गया, या फिर साथ में उसके कुछ और चीज़ शुरू हो गई, तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो आप इसका रिकग्नाइज कैसे करेंगे? जब भी इसमें ing फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा ना, तो वो आप इतना मान कर चलिए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट? ओके, आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एकदम मतलब सीधी लकीर की तरह एकदम परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट, अब नाम को कनेक्ट कीजिए, पास्ट परफेक्ट यानी कि परफेक्टली कोई काम जो पास्ट में हुआ, यानी कि पास्ट में हुआ शुरू और वहीं पर ख़त्म हो गया, राइट? तो ऐसा जो टेंस होगा वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ सेंटेंस और कॉन्वर्सेशन describes an event that happened in the past before another event was completed in the past. तो कोई भी ऐसा काम जो शुरू हुआ past में ही और उसके बाद ख़त्म हो गया past में ही, तो ऐसी situation को आप क्या बोलेंगे? Past perfect tense. Okay. तो आप इसको कब use करते हैं? To indicate an event that has occurred and been completed in the past. यानी कि शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, इतना याद रखिए, ये इसका shortcut है। जैसे कंटिन्यूअस का शॉर्टकट था कि शुरू कुछ काम चल रहा था और वो इंटरप्ट हो गया, या उस चलते हुए काम के साथ कोई और चलता हुआ काम शुरू हो गया, वो कंटिन्यूअस की कैटेगरी में था, राइट? लेकिन जो परफेक्ट की कैटेगरी में है कि शुरू हुआ है और वहीं पर ख़त्म हो गया, यानी कि पास्ट में शुरू और पास्ट में ख़त्म हो गया। ओके, एग्जाम्पल, ही हैड बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक टू बाय हिज न्यू कार। तो उसने बोरो किया था अपनी कार खरीदने के लिए, तो उसने बोरो किया और कार खरीदी, तो ये काम शुरू हुआ और एंड हो गया पास्ट में ही। ओके, सेकेंड सिचुएशन, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। एग्जाम्पल देखते हैं, वी रीच्ड देयर होम आफ्टर द डिनर वॉज ओवर। तो कुछ काम आपने शुरू तो किया, ठीक है, पास्ट में, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि कोई और काम शुरू हो गया वहाँ पे। जैसे हम उनके घर तो पहुँचे, लेकिन पहुँचे तब जब डिनर ख़त्म हो चुका था। तो पास्ट में ही दो सिचुएशंस आ गई ना, आप गए उनके, वी वेंट फॉर डिनर, वी वेंट टू देयर प्लेस, आप गए उनके प्लेस पे, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचे तो वो डिनर ख़त्म हो चुका था, राइट? तो पास्ट में ही शुरू, पास्ट में ही ख़त्म, बस इतना शॉर्टकट याद रखिए। ओके, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाई यूजिंग हैड एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो जब आपको इसको बनाना है, जब आपको इसको लिखना है या बोलना है, आप कैसे बोलेंगे? आप इसके साथ क्या करेंगे? हैड यूज़ करेंगे और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? द ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ईडी का मतलब है जैसे कि आप किसी भी वर्ब के एंड में ईडी लगा देंगे, जैसे वॉकड, राइट? तो वॉक वॉज द मेन वर्ब, लेकिन आपने उसके एंड में ईडी लगा दिया, तो ऐसा जो टाइप होता है ना, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, राइट? तो ये सब सिचुएशंस हैं। अब इसका शॉर्टकट ये है कि कोई काम शुरू हुआ पास्ट में और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, या फिर कोई काम शुरू हुआ था और वो इंटरप्ट हो गया, राइट? वी वेंट टू देयर होम बट बाय द टाइम वी वेंट द डिनर वॉज ओवर। तो डिनर ख़त्म हो चुका था, राइट? तो कन्फ्यूज, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द कंटिन्यूअस एंड द परफेक्ट टेंस। तो आप कैसे डिफरेंस बताएंगे? कंटिन्यूअस में हमेशा ing फॉर्म, कोई काम चल रहा था, आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रही थी, आई वॉज वॉकिंग व्हेन आई सॉ द डॉग, राइट? तो मैं चल रही थी, तो वो कंटिन्यू हो रहा है, तो ing मतलब कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आपका ed फॉर्म है वॉकड, बाय द टाइम वी वेंट, राइट? तो वेंट है, तो उसके साथ में आपका जो काम, कुछ काम शुरू हुआ और इंटरप्ट हो गया, या फिर शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, राइट? क्लियर? ओके, जो मोस्टली लोगों को बहुत टफ लगता है, ये वो टाइप ऑफ टेंस है जी, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो किसी भी टाइप ऑफ टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तो उसमें यूजुअली लोगों को लगता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस जो टाइप होगी ना, वो बहुत टफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, घबराइए मत, देखो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ओके,
तो अब नाम में सोचिए, नाम से क्या बोला गया है इसमें, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी कि दोनों सिचुएशंस इसमें इकट्ठे हैं। यानी कि कोई काम है जो शुरू भी हुआ है पास्ट में, कंटिन्यू भी हुआ है, राइट? तो दोनों सिचुएशंस हैं इसमें, तो शुरू भी पास्ट में हुआ और कंटिन्यू भी हुआ है पास्ट में, राइट? और ख़त्म भी हुआ है पास्ट में, तो ऐसा जो टेंस होता है ना उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। ओके, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो नोन एज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कोई भी टाइप ऑफ टेंस हो, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, उसमें जो कंटिन्यूअस होता है ना आप उसको प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव भी होगा तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। उसमें आपको ये मत सोचिए कि ये कोई और नई टाइप आ गई, ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस मीन द सेम। ओके, शोज दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप टिल अनदर टाइम इन द पास्ट। तो हुआ क्या, कोई एक्शन जो शुरू हुआ पास्ट में और उसके बाद किसी और टाइम तक पास्ट में ही कंटिन्यू रहा, राइट? तो शुरू भी हुआ यानी कि परफेक्ट का उसमें एलिमेंट भी है और कंटिन्यू का एलिमेंट भी है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू भी हुआ है पास्ट में ही किसी पर्टिकुलर टाइम तक। ओके, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग हैड बीन प्लस वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें क्या होता हैड बीन, इसमें जो आपका है ना वो कैच है, प्लस वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे वर्किंग, टॉकिंग, वॉकिंग, ईटिंग। तो ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें हैड बीन लगाते हैं और उसके साथ आप वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं जब भी आपको ये डिस्क्राइब करना हो। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा। ओके, वेन, फॉर, सिंस एंड बिफोर आर द वर्ड्स दैट यू मे सी यूज अलॉन्ग साइड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट ऑफ द कार्टन वेन मॉम वॉक्ड इन टू द किचन। तो आप इसमें सिचुएशन को अगर ऑब्जर्व करें, वो जो था वो दूध पी रहा था कार्टन में से जब उसकी मम्मी किचन में आई। यानी कि एक काम स्टार्ट हुआ पास्ट में और वो कंटिन्यू, ही हैड बीन ड्रिंकिंग। तो हैड बीन और ड्रिंकिंग क्या है, दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मैंने आपको बताया द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हो। तो काम स्टार्ट हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि वो कंटिन्यू हुआ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इन द पास्ट ओनली। तो ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट ऑफ द कार्टन वेन मॉम वॉकड इन टू द किचन। क्लियर? ओके, आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years वेन आई गॉट द प्रमोशन। तो मैं कंपनी में 5 साल से काम कर रही थी जब मुझे प्रमोशन मिली। क्लियर? तो काम शुरू हुआ है पास्ट में और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक, और हुआ क्या है, उसी टाइम पे दूसरा काम आपका जो है, यू विल सी अनदर वर्क, अनदर वर्ब इन द सेम सिचुएशन, राइट? मार्था हैड बीन वॉकिंग 3 miles अ डे बिफोर शी ब्रोक हर लेग। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ काम चल रहा था, हैड बीन वॉकिंग, राइट? हैड बीन वॉकिंग, कुछ काम आपका चल रहा है, बिफोर शी ब्रोक हर लेग। तो लेग, तो एक और काम है ना जो आपकी फ्रेम ऑफ टाइम ऑफ फ्रेम में आ गया है। बिफोर, ब्रोक हर लेग इज ऑल्सो अनदर वर्ब, राइट? ब्रोक इज अनदर वर्ब। क्लियर? तो ये चीज का आप ध्यान रखिए कि दो सिचुएशन इसमें साइमल्टेनियसली चल रही है, एक कंटिन्यूड फॉर्म में होगी और एक परफेक्ट फॉर्म में होगी। तो परफेक्ट क्या होता है, शुरू और खत्म, और कंटिन्यूड होता है आई एन जी फॉर्म। क्लियर? तो जब आप इसको बनाना है, इसका शॉर्टकट क्या याद रखने का, जब भी इसमें आपके हैड बीन होगा, राइट, हैड बीन यूज़ किया होगा विद अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वो समझ जाइए कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस है। क्लियर? ओके ओके, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें रिकग्नाइज करना है कि टाइप ऑफ टेंस क्या है। ओके, व्हेन आई अराइव्ड एट द रेस्टोरेंट विक्टोरिया हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अराइव्ड यानी कि पहुंच गए थे, यानी कि शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। तो जब शुरू और ख़त्म इकट्ठे हो जाता है तो वो क्या टाइप होता है, परफेक्ट, राइट? सो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ही नोटिस्ड दैट पीटर हैड नॉट पेंटेड द ओल्ड चेयर। तो पेंटेड यानी कि ईडी फॉर्म लगी है, तो अगर पेंटेड यानी कि पेंट शुरू हुआ और ख़त्म हो गया तो ये कौन सा टाइप है, जब शुरू और ख़त्म होता है तो दैट इज द परफेक्ट टाइप, यानी कि पास्ट परफेक्ट। ओके, वर यू योर्निंग ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। तो क्या तुम यॉर्न कर रहे थे, तो योर्निंग यानी कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, राइट? तो अगर कंटिन्यू हो रहे थे वो क्या टाइप होता है, पास्ट
कंटिन्यूस. वी वर नॉट हाइडिंग इन द ट्री हाउस, हम नहीं छुपे हुए थे. हाइडिंग, वी वर नॉट हाइडिंग, तो हाइडिंग हो गया अगेन कंटिन्यूस फॉर्म, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस. वर दे टॉकिंग टू ईच अदर बिफोर द फाइट स्टार्टेड, तो यहाँ पे कोई काम शुरू है. वर दे टॉकिंग टू ईच अदर बिफोर द फाइट, काम शुरू हुआ और इंटरप्ट हो गया, राइट? तो दोबारा अगर शुरू हुआ है और चल रहा है, इट इज इन द कंटिन्यूड फॉर्म, तो वो क्या टाइप हो गया? पास्ट कंटिन्यूस. वर यू नॉट स्विमिंग व्हेन समवन स्टोल योर क्लोथ्स, तो दोबारा यहाँ पे कोई काम शुरू, यानी कि स्विमिंग शुरू हुई थी और कंटिन्यू हो रही थी, कोई काम चल रहा था, इट वॉज कंटिन्यूड, राइट? और कंटिन्यू हुआ और इंटरप्ट हो गया, तो जब कंटिन्यू हुआ था तो अगर कंटिन्यू वाला क्लॉज उसमें आ गया तो वो क्या टाइप है? पास्ट कंटिन्यूस. ओके, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स व्हेन आई वोक हर, दोबारा यहाँ पे क्या हो रहा है? शी हैड बीन स्लीपिंग, राइट? अगर आपका हैड बीन स्लीपिंग है तो वो क्या टाइप होता है? अगर आपको याद होगा, दैट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो हैड बीन जहां भी लगा होगा ना, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइप हो जाता है. दोबारा सेकंड में देखिए, इट हैड बीन रेनिंग एंड द रोड वॉज कवर्ड इन वॉटर. तो हैड बीन यानी कि बारिश चलती जा रही थी, बारिश हो रही थी, राइट? चलती जा रही थी और जो रोड थी वो पानी से कवर हो गई. तो हैड बीन लगा हुआ ना, तो अगर हैड बीन लगाए तो यानी कि इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, दे ऑल वेंट फॉर शॉपिंग, वो सब शॉपिंग के लिए गए. तो सिंपल है, सिंपल पास्ट टेंस, वो सब शॉपिंग के लिए गए. कुछ इसमें आपका बाय प्रोडक्ट नहीं है, कोई बाय अलग का टाइप नहीं है इसमें, तो अगर अलग टाइप नहीं है तो वो पास्ट सिंपल हो गया. हु एट माई चॉकलेट, मेरा चॉकलेट किसने खाया था? तो पास्ट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल. ठीक है, तो यहाँ पे इनके आंसर्स हैं. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट पास्ट टेंस एंड इट्स टाइप्स. अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम अलग टाइप ऑफ टेंस पढ़ेंगे. तब तक के लिए हैव अ गुड डे.